हेलो स्टूडेंट्स, आज हम खाद्य प्रबंधन की सातवीं इकाई खाद्य क्रय और खाद्य भंडारण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ क्या होता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि ये पूरी जो बुक है आपके खाद्य इकाइयों और खाद्य पे ही आधारित है, तो खाद्य पदार्थ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो खाद्य पदार्थ वो होता है जो आपको पोषण संबंधी सहायता देता है, अर्थात जो हमें जीने के लिए ऊर्जा देता है और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ऊर्जा प्रदान करता है। खाद्य पदार्थ या तो पौधे से प्राप्त हो सकते हैं, जिनको आप प्लांट ओरिजिनेट कहते हैं, और एक एनिमल से प्राप्त हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स। तो जो इस प्रकार से हम जो खाद्य पदार्थों को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक नष्ट या खराब हो जाने वाले और दूसरे नष्ट या खराब न होने वाले। तो नष्ट, खराब या खराब हो जाने वाले, अर्थात जो कि बहुत ही कम समय अवधि में खराब हो जाते हैं, उन्हें अगर आपने क्रय किया है, लिया, खरीदा है, तो आपको उन्हें तुरंत ही प्रयोग में भी लाना होता है। तो जैसे खराब होने वालों में आप फल हैं, सब्जियाँ हैं, मीट है, या फिर और फल सब्जियाँ मीट हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस प्रकार से ये सब पदार्थ ऐसे हैं कि अगर इन्हें किसी विशेष परिस्थितियों में ना रखा जाए तो इन्हें शीघ्र ही प्रयोग में लाना पड़ता है। इनको ही लाइफ बढ़ाने के लिए प्रशीतित किया जाता है, इन्हें अर्थात फ्रीज किया जाता है। फ्रोजन प्रोडक्ट्स, जैसे कि पता है आपको आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें इन्हें क्या किया जाता है, मीन्स है कि फ्रीजर में -18 से नीचे के टेम्परेचर में इनको रखा जाता है। उसके बाद इन्हें इस प्रकार से बेचा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप इनको प्रशीतित करके भी हम इन्हें काफ़ी समय तक रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इनको फ्रीजर से निकाल लिया, अर्थात ये उन पे जो बर्फ जमी हुई होती है, जो फ्रीज होते हैं ये, अगर ये मेल्ट हो गए तो उसके बाद उन्हें तुरंत ही यूज में लाना होता है, दोबारा इन्हें फ्रीज नहीं किया जा सकता। दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं जो खराब नहीं होते, खराब ना होने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे सूखे सामान हैं, दालें हैं, आटा, चावल, ये एकदम से खराब नहीं होता, इन्हें आप लंबे समय तक प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा जैसे अचार वगैरह, जैम है, मुरब्बा है, इनमें भी कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। बात करते हैं खाद्य क्रय और आवश्यकता की, कि खाद्य क्रय क्या है और खाद्य क्रय की आवश्यकता क्यों होती है। ये खैर ऐसा इतना डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, क्योंकि खाद्य क्रय क्या है तो हम बता सकते हैं। आवश्यकता तो आप सबको पता है कि जैसे कि पहले ही बताया कि जीने के लिए, जीवन के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। तो खाद्य क्रय की आवश्यकता तो यह है कि आपको, क्योंकि अगर कोई इकाई चला रहे हैं, अगर कोई आपकी फूड इकाई है, तो उसके लिए आपको चाहिए कस्टमर को, अगर आप भोजन देना है आपको, तो उसके लिए आपको खाद्य क्रय करना होगा, अर्थात रॉ मटेरियल जो आप लेंगे। तो खाद्य क्रय के समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, इस पर जरा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला होता है ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार, अर्थात आप ये नोटिस करिए, अगर आप कोई भोजन इकाई चला रहे हैं, फूड इकाई चला रहे हैं, तो किस प्रकार के भोजन की ओर लोगों की रुचि है, तो उसी प्रकार का जो रॉ मटेरियल है आप मार्केट से क्रय करें। और दूसरा आता है भोजन की मानकों के अनुरूप सही गुणवत्ता, अर्थात जो भी सामान आप ले रहे हैं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो फाइनल प्रोडक्ट खराब ही बनेगा और इसमें बहुत सारी शिकायतें आने की संभावनाएं रहेंगी, जिससे कि इकाई की जो छवि है वो धूमिल होने की संभावना रहेगी। भोजन को न्यूनतम लागत पर खरीदा जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो आपको बहुत सारा मार्केट सर्वे करना होगा और आपको सस्ते से सस्ता सामान, जो कि अच्छी गुणवत्ता वाला हो, लेने का प्रयास करना होगा। और जो खरीद है उसको इस तरह से बनाए रखने की जरूरत है कि कोई ब्रेक ना हो, अर्थात कि अगर आपके आपके जो फूड इकाई है वहाँ पे भोजन समाप्त होने से पहले वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को सामान देने में कोई परेशानी ना हो। खाद्य पदार्थ का चुनाव, खाद्य पदार्थ का चुनाव करते समय कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा खाद्य पदार्थ का चुनाव करने में उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होता है व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, ऑफिस से आपके पास जितना पैसा होगा आप उसी के हिसाब से परचेस करेंगे।
आप बहुत अच्छा सामान खरीद सकते हैं, महंगे से महंगा और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, अगर आपके पास बजट इतना हो तो। वैसे तो जो रोटी कपड़ा मकान हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं, लेकिन इसमें भी वेरिएशन होता है कि अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो आप कम से कम भोजन में काम चलाने का प्रयास करते हैं, और अगर आपके पैसे की कोई कमी नहीं होती है तो आप जो मन चाहे वो खा सकते हैं, जो मन चाहे वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति भी आपके क्रय, जो आपका फूड क्रय है, उसको प्रभावित करती है। उसके बाद अगला होता है पसंद और नापसंद। ये भी एक फैक्टर है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप अपने लिए कुछ क्रय कर रहे हैं, अपने लिए कुछ खरीदने गए हैं, तो आपको क्या पसंद है आप वही लेंगे। और अगर आप ग्राहकों के लिए, फूड इकाई की वर्कर के इसमें आप खरीदने गए हैं, तो ग्राहकों की पसंद और नापसंद इसको प्रभावित करेगी। जो पसंद होगा आप उसी को परचेज करेंगे। व्यक्ति की पोषण संबंधी जरूरतें, पोषण एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम गृह विज्ञान के अंडर में ये सब पढ़ रहे हैं तो, और हमारा सारा एम्फेसिस जो होता है पोषण पे होता है। तो कोई भी भोजन, जो भोजन हमारे शरीर की सभी पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण करे, पोषण आवश्यकताएं इसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, फैट हो और प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें सारे हमको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने चाहिए, तो तभी वो जो भोजन होगा एक पूर्ण भोजन कहलाएगा। तो यदि किसी, आपको कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो आप वह लेने की कोशिश करेंगे। लाइक एग्जाम्पल, कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई एनेमिक है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसे ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खिलाएं, आप उसे अनार खिलाएं, आप उसे चुकंदर खिलाएं, तो आप हर ऐसी चीज़ लेने का प्रयास करेंगे जो कि उसकी पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करेगा। अगला है विज्ञापनों का प्रभाव। विज्ञापनों का प्रभाव अर्थात आप टीवी में देखते हैं या आप न्यूज़पेपर में किसी चीज़ का ऐड देखते हैं, और आपको तुरंत इच्छा होती है कि आपको भी वह प्रयोग करके देखना है। लाइक कोई नई चॉकलेट आती है, नया कोई बिस्किट आता है, या कोई भी नए नूडल्स आते हैं, तो आपको वह लेने का मन करता है। तो विज्ञापनों का हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा प्रभाव होता है, हम वो लेने की इच्छा जाहिर करते हैं जो हम विज्ञापन में देखते हैं। अगला है भंडारण की सुविधा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अगर आपके पास भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा सामान भी ले सकते हैं, और या फिर ऐसा सामान भी ले सकते हैं जिसे कि आपको स्टोर करना पड़ेगा और आपके पास उस स्टोरेज की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लाइक जैसे हमने पहले ही बताया कि कुछ सामान जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको हम फ्रोजन रूप में यूज़ करते हैं, यानी फ्रीज करके प्रयोग में लाते हैं। तो अगर आपके पास डीप फ्रीजर या फिर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप यह सामान परचेज करके कुछ महीनों तक आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रय की विधियाँ। क्रय की विधियाँ जैसे सीधा, पहले सबसे पहले इसमें आता है सीधा वितरण। इसमें निर्माताओं से खाद्य सेवा संचालन के लिए खाद्य और पेय पदार्थों की सीधी डिलीवरी ले ली जाती है। ये नॉर्मल सा डोर टू डोर सेलिंग मेथड है। औपचारिक क्रय, इसमें विक्रेताओं से निविदाएं अर्थात कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं, बोलियां लगाई जाती हैं, और जो सबसे कम बोली होती है उसका चयन किया जाता है, और जिसपे कि आपको सबसे अच्छे स्टैंडर्ड का सामान भी मिल रहा होता है। अगला आता है थोक क्रय। थोक क्रय में व्यक्ति बहुत सारा सामान लेकर स्टोर करता है, लेकिन इसके लिए आपके पास स्टोरेज की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, तभी थोक क्रय किया जा सकता है। थोक क्रय का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको सामान काफी सस्ता मिलता है, क्योंकि आप बहुत सारा सामान एक बार में लेते हैं और उसको फिर जब आप बेच रहे होते हैं, आप बना रहे होते हैं, वो थोड़े थोड़े अमाउंट में बना रहे होते हैं, तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपकी इकाई को मिलता है। क्या स्टॉकलेस क्रय? स्टॉकलेस क्रय में खरीदार माल के भंडार को नहीं रखता, लेकिन आपूर्तिकर्ता उसे रखता है, तब खरीदारों को जरूरत के हिसाब से सामान मिलता है। अर्थात जिसने माना मैंने किसी डीलर से सामान लेना है, तो वो जो डीलर होगा वो अपने पास बहुत सारा सामान स्टोर करके रखता है एज पर रिक्वायरमेंट, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को सामान देता जाता है जो छोटे क्रेता होते हैं। नीलामी क्रय, नीलामी क्रय में कोई एक निर्माता है, वो जो माल है उसकी बिक्री की घोषणा करता है और उसकी बोलियां लगाई जाती हैं। यह बहुत बड़े प्रतिष्ठानों या फिर स्पेशली सरकारी प्रतिष्ठानों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन क्रय, आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ट्रेंड है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपको कुछ साइट्स हैं जिनमें आपको सारा सामान
अवेलेबल है, आप जस्ट उस पर क्लिक करके अपने घर पे ही सारा सामान मंगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थों के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक, कि जो हम सामान लेते हैं, आपने भी देखा होगा कि हम जब कभी मार्केट जाते हैं तो कभी हमें वो सामान सस्ता मिल जाता है, कभी वो बहुत महंगा होता है। क्यों होता है ऐसा? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत में आता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को उत्पादित करने में जो लागत आई होती है उसके हिसाब से उसका मूल्य तय किया जाता है। ये तो एक बेसिक फैक्टर है जो कि हमेशा सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि उत्पादन लागत लगभग हर समय समान होगी। अगला आता है ऋतु, इसका सबसे बड़ा प्रभाव है क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सीजनल लेते हैं वो आपको सस्ती मिलती है, और जब कभी ऑफ सीजन आप कोई सामान लेते हैं अर्थात जब उसका सीजन नहीं होता है तो वह सामान आपको महंगा मिलता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि उस सामान को स्टोर किया जाता है और स्टोरेज में आपका पैसा लगता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज वहाँ पे देनी पड़ती है, तब जाके उसका स्टोरेज पॉसिबल होता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे, अन्यथा वो सामान खराब हो जाएगा और बिक्री के लायक नहीं रहेगा। तो इसमें होता क्या है कि इसीलिए कहा जाता है कि आप सीजनल फल खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए। एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स भी उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि जैसे जैसे स्टोरेज का समय बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो पोषक मान है वो कम होता जाता है, अर्थात पोषक मूल्य, अर्थात जो उसमें पोषक पदार्थ हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं रहते जितने वो फ्रेश जिस समय स्टेज में होता है वैसे होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऋतुओं का क्या प्रभाव है। वस्तु की मांग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी उस चीज़ का रेट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मांग ज़्यादा है सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाता है, अगर मांग कम है सप्लाई ज़्यादा है तो उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो डिमांड का बहुत बड़ा असर इस पर पड़ता है। अगला आता है विज्ञापन, जैसे मैंने पहले भी बताया विज्ञापनों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा असर है। विज्ञापन हमारी सोच को, हमारी पसंद को बदलने तक का वो श्रेय जाता है इनको, कि हमको कोई चीज़ नहीं पसंद होती है बट हम जब उसका कोई अट्रैक्टिव सा विज्ञापन देखते हैं या फिर कहीं पे देखते हैं कि इसका बहुत अच्छी तरह से वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें भी मन होता है कि हमें इसे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी हमारे तो इससे क्या होता है, तो ये हमारी इच्छा को बदलता है या फिर हमारी उसके लिए जो सोच है उसको बदल देता है, तो हमारी भी फिर वही है फाइनली डिमांड बढ़ जाती है जिससे कि उसका रेट बढ़ता है। नेक्स्ट है प्रसंस्करण की मात्रा, अर्थात अगर अगर जैसे मैंने पहले भी बताया अगर फूड प्रसंस्कृत है अर्थात उसको या फ्रीज किया गया है, फ्रोजन किया गया है, स्टोर कहीं पे किया गया है, तो उसकी जो रेट होगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बात करते हैं खाद्य पदार्थ किन किन रूपों में बेचे जाते हैं या फिर आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले होते हैं ताज़े खाद्य पदार्थ जो कि हम मार्केट में से रोज़ ले सकते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं या फिर नॉन वेज कुछ भी, मीट वगैरह, ये सब आपका ताज़ा खाद्य पदार्थ है। अगला होता है प्रशीतित खाद्य पदार्थ, प्रशीतित खाद्य पदार्थ जो फ्रोजन पदार्थ है अर्थात जैसे आपने फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, फ्रोजन मीट है या डिफरेंट फ्रोजन आइटम्स हैं, तो ये सब इसके अंदर में आते हैं। अगला होता है सूखे खाद्य पदार्थ, सूखे खाद्य पदार्थ दालें हैं, आपके लेंटल्स हैं या आटा है, चावल है, ये सब सूखे खाद्य पदार्थ हैं जो कि जिनको बहुत ज़्यादा स्पेशल कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती स्टोरेज के लिए, हाँ बस एक थोड़ा सा मॉइस्चर से बचाना होता है जिससे कि फंगस या कीड़े मकोड़े इसमें ना लगे। उसके बाद आता है डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ अर्थात केन प्रोडक्ट्स में आपके जैसे आप कंडेंस मिल्क है या फिर आपका मिल्क है या मिल्क पाउडर है, इस प्रकार से बहुत सारे इसके अंदर भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं। अब अगर आप कोई सामान खरीदने गए हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ये थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप कहीं खरीदारी करने गए हैं तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी आपको सामान चाहिए, या आपको पहले बना लेनी चाहिए जिससे कि जो सामान ख़त्म हुआ है या जो सामान अवेलेबल नहीं है उसी की परचेजिंग की जा सके, जिससे कि जो वेस्टेज है उससे बचा जा सके, अर्थात रिपीटेशन ना हो। जो आपके पास पता चल रहा है, जो आप मार्केट चले गए आपको ध्यान ही नहीं है कि आपके पास क्या सामान है क्या नहीं है, आपने सारा सामान ले डाला, आपके पास घर में बचा हुआ है और वह सामान आपका ऑलरेडी आपके पास है तो वेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त तो बाजार के प्रकार और स्थान का चयन करें, अर्थात कौन सा सामान किस मार्केट में मिलेगा, किस स्थान पर मिलेगा, इसका एक अच्छा सा सर्वे कर लें।
खरीदने से पहले कीमतों और गुणवत्ता की तुलना अवश्य करें, अर्थात एक जगह जाके सीधे सामान लेने ना बैठ जाएं, दो तीन जगह जाएं, दो तीन ग्राहक सॉरी उनको मिलें जो उत्पादक करता है या जो भी प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, उनसे मिलें, दुकानों पे जाएं, तो जिससे कि आप रेट का कंपैरिजन और जो सामान है उसकी क्वालिटी का कंपैरिजन कर सकें। अगर आपके पास भंडारण की सुविधा अर्थात स्टोरेज की सुविधा है तो खाद्य पदार्थों का क्रय थोक में करें, क्योंकि यह बहुत सस्ता पड़ता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें एक पॉइंट यह है कि जो यदि आप भूखे हों तो खरीदारी ना करें, अर्थात अगर आपको भूख लगी हो तो आप अननेसेसरी ये भी वो भी बहुत सारा सामान ले लेते हैं, लेकिन घर आके आपको लगता है वो मैंने फिजूल ही इसको ले लिया, क्योंकि ये फिजूल खर्ची होती है जो कि आप उस समय इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आप भूखे होते हैं, तो जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो इस प्रकार की स्थितियां ना हो। और इसके अलावा बच्चों को साथ लेके खरीदारी करने ना जाएं, और अनियोजित खरीदारी ना करें, जिसकी पहले से योजना बनाएं, लिस्ट बनाएं, सोचें कि आपको क्या सामान एक्चुअल में लेना है। कोई डिब्बा बंद या पैक पदार्थ जो भी आप लेते हैं उसमें उनकी एक्सपायरी डेट अवश्य देखें, क्योंकि जब किसी एक्सपायरी डेट का हम अक्सर इग्नोर करते हैं क्योंकि इस ओर ध्यान ही नहीं जाता हमारा, तो लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके बाद जो उसके अंदर फूड प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सपायरी डेट की बात का सामान कोई भी ना लें। अच्छा, कौन से संकेत देखने पे खाद्य पदार्थ ना लें, एक बार इसे भी हम देख लेते हैं। यदि आप कोई पैक्ड या प्रसंस्कृत फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए। डब्बा फूला हुआ या पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जंग लगे हुए डब्बे में मतलब डब्बा अगर आपको बाहर से पुराना लगे तो ना लें। पुनः प्रशीतित किया गया, अगर आपको ये लग रहा है कि उसमें कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं या फिर कहीं आपको अंदाजा आ रहा है कि इसको दो बार फ्रीज किया गया, अर्थात एक बार वो पूरा मेल्ट हो चुका है, दोबारा उसे फ्रीज किया गया, तो इस प्रकार के पदार्थ को ना लें। खुले या क्षतिग्रस्त पैकेट को ना लें, फफूंद लगा हुआ हो, रंगहीन हो, या फिर इस प्रकार से आपको कुछ खराब दिख रहा हो, दिखने में ही खराब दिख रहा हो, तो बिल्कुल ना लें। मांस या मछली ऐसी ना लें जिसकी सतह सूखी हो या चिपचिपी दिख रही हो, उसे जरूर देख लें, क्योंकि नॉनवेज से संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और लास्ट, अभी जैसे पहले ही पढ़ा था, एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें। फल सब्जियां लेते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसको जरा सा एक बार पढ़ लेते हैं। फल सब्जियां ताजे हों, जो कि आपको देखने से अंदाजा जाएगा, और क्योंकि जैसे जैसे पुराने जाते हैं इनकी पोषक जो गुण है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और इन पे कोई निशान, स्क्रैच, पड़े हुए, कटे हुए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। स्टार्च युक्त जड़ें अगर आप ले रहे हैं तो इनमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और लेकिन ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखे जा सकते हैं, और इनमें भी खरोचे नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से होंगे तो ये जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, पशु या पशु उत्पाद, तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप मांस ले रहे हैं तो सफ़ेद या मलाईदार वसा के साथ गहरा लाल उसका रंग होना चाहिए, और अगर वो खराब हो गया है तो भूरा, हरा या पीले रंग का दिखेगा, जिसे आप ना लें। और जब मांस हरा या इस प्रकार से होता है उसमें बदबू भी आती है, जो कि यह बताती है कि यह खराब हो चुका है, इस प्रकार से आप ना लें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग होने का बहुत बड़ा चांस होगा। और अगर आप मुर्गी मतलब अगर आप वो ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, मुर्गा ले रहे हैं, तो उसमें मांस वाले पैर के साथ एक मांसल शरीर वाला लें हमेशा, और कहीं पर भी रंगहीन नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहले बताया लाल रंग का होना चाहिए, और मछली में चमकदार स्किन होनी चाहिए तभी आप उसको लें। अगर आप अंडे लेने जा रहे हैं, अंडे सफ़ेद और भूरे दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों एक ही पोषक मूल्य वाले होते हैं, और इनमें जो ध्यान देने योग्य बातें वो ये हैं कि इनके खुरदुरे नहीं होने चाहिए, चमकदार नहीं होने चाहिए, और नमक के पानी के जार में डालकर इनकी जो ताजी है उसका परीक्षण अवश्य कर लें। अगर ये तैरने लगता है तो अंडा बासी होता है, अर्थात अगर वो पानी में डूब जाता है तो वह साफ होता है, दरार नहीं होनी चाहिए अंडे में। दूध को अगर आप ले रहे हैं, दूध या तो आप ताज़ा ले सकते हैं, या फिर आप पाउडर के रूप में मिल्क पाउडर ले सकते हैं, कंडेंस मिल्क ले सकते हैं, या मिल्क जो आपका केन मिल्क आता है वो ले सकते हैं किसी प्रकार से। तो केन मिल्क ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी देखें, पाउडर मिल्क में एक्सपायरी देखें, और अगर ताज़ा दूध ले रहे हैं तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं, आप ताज़ा खुद जाके ले रहे हैं तो उसका आप किस बर्तन में ले रहे हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और आके उसे रेफ्रिजरेट करें।
फलियों में फलियां वैसे तो आप सूखे खाद्य पदार्थों में आते हैं जो कि आसानी से ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि वह प्रॉपर सुखाई भी होती हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुखाई गई होती हैं तो उनमें भी फंगस लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये देख लें कि फंगस ना लगा हो और एक कीड़ा कीड़ा लगा हुआ ना हो, इनमें यही सबसे ज़्यादा चांस होते हैं जो कि आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा। और अनाज सेम अनाज के लिए भी है, फंगस लगा हुआ या फिर कीड़ा लगा हुआ अनाज ना लें। अब आता है खाद्य भंडारण पे। खाद्य भंडारण 3 प्रकार के होते हैं, शुष्क भंडारण, फ्रिज भंडारण और फ्रीजर भंडारण। शुष्क भंडारण अर्थात ऐसा भंडारण जो कि एक शुष्क वातावरण में किया जाता है, अर्थात किसी कमरे में भी हो सकता है। वह कमरा प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, अर्थात एयर सर्कुलेशन होना चाहिए और लाइट होना चाहिए जिससे कि मॉइस्चर ना हो, फंगस ना लगे। तो इस प्रकार से जो हम जो भी सूखे खाद्य पदार्थ हम स्टोर करें वो सुरक्षित रहें। दूसरा होता है फ्रिज में भंडारण। फ्रिज का टेम्परेचर 0 से 7 डिग्री होता है। फ्रिज में आप फल, सब्जियां, दूध इनको वो करते हैं स्टोर, लेकिन ये बहुत फ्रिज का जो स्टोरेज होता है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, 2-3 दिन, हफ्ते भर मैक्सिमम। इसके बाद फ्रीजर भंडारण जो कि फ्रोजन प्रोडक्ट्स आते हैं, इनको आप -18 डिग्री से भी नीचे इसमें टेम्परेचर होता है तो इसमें पूरी बर्फ जमी हुई होती है सामान पे। तो इस प्रकार के भंडारण जो भंडारण किया जाता है वो सामान वो प्रशीतित फूड प्रोडक्ट के रूप में बेचा जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है क्योंकि इसमें जो दुकानदार होता है या जो बेचने वाला क्रेता है उसका भी काफ़ी खर्चा आता है, तो वही खर्चा वो उसकी जो मूल्य है उसमें एड ऑन करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से भंडारण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि खाद्य क्रय और खाद्य भंडारण ये यूनिट थी जो कि इसके साथ पूर्ण होती है। थैंक यू।